ତାଙ୍କ କଥା ତ ଆସୁନି ଏଠି ବି ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜୀବନୀ ଆବାଜ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ ଜୟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ ଜୟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ ଜୟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜୟ ରାଧା Yeah.
जय श्री श्री गुरु। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीस सह गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गुरु जी क्या प्रति शिष्य का कैसे निष्ठा होनी चाहिए। स्वयं कृष्णं बंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु है, लेकिन जगत गुरु होते हुए भी स्वयं एक शिष्य का अभिमान करते हुए कैसे गुरु जी के चरण में शिष्य का निष्ठा होनी चाहिए। महाप्रभु स्वयं सिखा दिए और महाप्रभु गुरु जी की जन्म स्थान में भी गए थे। जन्म स्थान का नाम क्या है, कहते कुमारहट। जब श्री महाप्रभु वहाँ पर गए और उन्होंने क्या किया वहाँ जा कर के, क्योंकि यहाँ पर श्री गुरु जी का जन्म हुए, इसलिए जहाँ पर एक शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं कहते उसका प्रभाव से करोड़ों योजन तक उद्धार हो जाता है। जितना दूर तक उनको दृष्टि जाता है सारे पवित्र हो जाता है, हैं? जहाँ पर एक शुद्ध भक्त जन्म ग्रहण करता है, इसलिए शुद्ध भक्तों का इतने महिमा कहते जीव की बात छोड़ दो। स्वयं कृष्ण कहते हैं अनुब्रजामि अहं नित्यं पुयेत अग्र रेणु भी, इसलिए कृष्ण असे ठीक सर, इसलिए महाप्रभु स्वयं कृष्ण खुद कहते हैं कहते पुए एत अंग्री रेणु भी, भक्तों का चरण धूलि को लेने के लिए मैं भी उनको पीछे 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 चलता रहता हूँ, मैं भी चलता रहता। क्यों? भक्तों का चरण धूलि मेरे सर पर पड़े, बोले पुए एत मतलब क्या, मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। किसने पूछा प्रभु आप क्या अपवित्र हो गए, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले भक्तों से ऋणी लेते लेते दिन भर मेरे भक्त मेरे सेवा करते, अगर मैं कुछ कभी कहता हूँ भैया कुछ लो सारा दिन तो मेरे सेवा कर दो, कुछ नहीं चाहते, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति अहित गीतई। कहते प्रभु हमें ये धन जन पुत्र परिवार हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, जन्म जन्मांतर में आपके चरण की हमें भक्ति और सेवा दे।
एक व्यक्ति जिंदगी भर सेवा करे, सेवा करते 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 अगर मैं कुछ बोलू भैया लो, फिर वो क्या कहते हैं, बोले प्रभु जी फिर आपकी चरण की सेवा दे दो, फिर मैं क्या होता हूँ, फिर मैं ज्यादा ऋणी बन जाता हूँ, मैं उसका चरण में ज्यादा ऋणी बन जाता हूँ। अभी मैं सोचता हूँ उनका ऋणी कैसे बनू, ऋणी से मुझे मुक्त कैसे मिले, भक्तों का चरण में तो ऋणी 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 ऋणी, क्योंकि उनसे लेता रहता हूँ लेता रहता हूँ लेता रहता हूँ, इसलिए सोचता हूँ कभी भक्तों का चरण धूलि अगर मिल जाए ना है, फिर तो थोड़ी बहुत ऋणी बन जाऊंगा, मुक्त बन जाऊंगा, लेकिन कोई भक्त मुझे चरण धूलि देगा ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ उनको पीछे 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 चलता हूँ, क्योंकि जब चलते समय चरण का धूल तो उड़ेगा ही, चरण का धूल उड़ेगा तो क्या होगा, कम से कम मेरे सर पर पड़ेगा, तो भगवान कहते हैं मैं क्या होता हूँ उनके भक्तों का चरण धूलि पा करके मैं भी पवित्र हो जाता हूँ, हैं मैं भी पवित्र बन जाता हूँ, इतने भक्तों का चरण धूल की हैं, हैं। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भैया भगवान हम लोग सुन रहे हैं कि नहीं, अभी मैं बोलूंगा बात, क्यों भक्तों का चरण धूलि भगवान, कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसमें ये रहस्य है, कहते भगवान विषय विग्रह, भगवान जगत का मालिक है, भक्त क्या बोले भक्त आश्रय विग्रह है, भक्त लोग भगवान को भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं। अभी रसगुल्ला में क्या स्वाद, रसगुल्ला को थोड़ी पता है, इसलिए जो रसगुल्ला खाते हैं उनको पता है, जस रसगुल्ला खाते हैं उनको पता, रसगुल्ला को पता नहीं रसगुल्ला में क्या रस है, क्या आनंद है, इसलिए यहाँ रसगुल्ले कौन, बोले कृष्ण स्वयं रसगुल्ले है, जिधर खाओ उधर भी रस ही रस है, रस वैसे है, वो स्वयं रस स्वरूप भगवान है, इसलिए वो पूरा पूरा रसगुल्ला है, जिधर से खाओ उधर से मिठाई मिठाई, इसलिए कृष्ण सोचते हैं कि ये मीठा सारे भक्त लोग, लेकिन पूर्णतम रूप में वो भक्ति रस को कौन आस्वादन करती है, कौन करती है बोलो, बोले श्री राधा रानी, इसलिए उनका नाम राधा, राधा मतलब क्या, बोले कृष्ण ने आराध्यते थी राधा, कृष्णम समाराधयते थी राधा है, इसलिए कृष्ण जिनको स्वयं आराधना करते हैं और राधा रानी जब कृष्ण को आराधना करती, दोनों दोनों को आराधना करती है, इसलिए लेकिन इस सीमा तक जा करके भी जहाँ पर कृष्ण हार जाती है और राधा रानी का प्रेम बढ़ते 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 सीमा से एक सीमा को ऊपर में भी राधा रानी की प्रेम बढ़ती रहती है, ऐसे राधा रानी के प्रेम की महत्व है, इसलिए कितने आनंद राधा रानी को मिलती है, बोले एक गुण नहीं दो गुण नहीं दस गुण नहीं कितना, बोले कोटि गुण, इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं राधा रानी को दर्शन करके मुझे जो आनंद मिलता है मेरे से कोटि गुण ज्यादा आनंद श्री राधा रानी को मिलती है, बोले श्रीमती राधा रानी की, अरे जोर से बोलो कोई जय कहे बोलते, बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए इतना आनंद श्री राधा रानी को मिलता है, इसलिए कृष्ण सोचते हैं भैया राधा रानी भक्त मेरे प्रेम का आस्वादन करते रहते हैं आस्वादन करते हैं और इतने आनंद उनको मिलता है, अभी वो आनंद कैसे मिले, इसलिए कृष्ण का हृदय ना दुख 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 मतलब क्या है, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, मुझे भी राधा रानी की, राधा रानी मेरे को आलिंगन करती है मेरे प्रेम का आस्वादन करती है, वो प्रेम मेरे को उनका हृदय में दुख दुख लग जाती है, दुख दुख मतलब कब मिले कब मिले, कैसे मेरे को आनंद मिले कैसे आनंद मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया कलयुग में राधा रानी भाव अंग कांति को लेकर के श्री सची नंदन श्री गौर हरि बन करके आए है, कृष्ण आए, अभी कृष्ण कौन हो गए, बोले विषय विग्रह है, ये हो गए मालिक, राधा रानी हो गए आश्रय विग्रह भक्त है, इसलिए बोले कृष्ण को जो आनंद है उससे ज्यादा आनंद श्री राधा रानी को मिले, अभी कृष्ण सोच रहे कैसे आनंद मिले, बोले आनंद मिलेगा, कहते भक्त लोग जो भक्ति को आस्वादन करते हैं कृष्ण प्रेम को कैसे, बोले भक्ति को द्वारा, इसलिए भक्ति रे वैव नयति भक्ति रे वैव दर्शयति भक्ति भक्ति वस पुरुष भक्ति एव भुवसि, इसलिए भक्ति को द्वारा ही भक्ति ही भगवान तक ले जाता है, भक्ति की महिमा है भक्ति की गरियसी है, इसलिए भक्ति का ही महिमा भक्ति की,
भक्ति को द्वारा भक्त लोग मेरे को आस्वादन करते हैं। अभी कृष्ण सोचते हैं भैया अगर मेरे को भक्ति मिल जाए ना, फिर मेरे को अगर भक्ति मिल जाए फिर क्या होगा, फिर तो मेरे अंदर में जो आनंद है वो आनंद को मैं ले सकता हूँ, राधा रानी जिसको आस्वादन करता हूँ। लेकिन भक्ति तो भक्ति के बगैर तो कर नहीं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी वो भक्ति मिलेगा कैसे, भक्ति मिलेगा कैसे, कहते तीन उपाय को द्वारा भक्ति मिलती है। कैसे कैसे, बोले भक्त पद दुलिहार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष एक साधन है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज जितने जल्दी भक्ति को देती है उतना जल्दी और कोई भी भक्ति नहीं दे सकते। तीन चीज क्या है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्तों का अधरामृत व कथामृत है। ये तीन चीज जल्दी से जल्दी भक्ति देने वाले, उसमें एक है भक्तों का चरण धूलि, ये चरण धूलि भक्ति दे सकती है। इसलिए कृष्ण कहते अन्न ब्रजामि अहम नित्यम, बोले नित्य ही मैं भक्तों का पीछे पीछे चलता रहता हूँ। बोले क्यों, बोले पुए एत अंकुर रेणु ही, उनके चरण की धूल को पाने के लिए, क्योंकि भक्तों का चरण धूल मिलेगा तो मैं पवित्र होऊंगा और मेरे को भक्ति मिलेगी। पर ये भक्ति को द्वारा ही मेरे अंदर में जो रस है, मैं जो रस स्वरूप हूँ, ये रस को मैं आस्वादन कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए, बोले श्रेष्ठान वृत्ति का आपने प्रभु तुली लय लय बहिर्वा से बांधी एक झूली है। यहाँ पर कह रहे महाप्रभु अपना गुरु जी की दिखा रहे, गुरु जी के प्रति कितना तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए। ये निष्ठा को दिखाने के लिए महाप्रभु ने क्या किया है, वहां पर कुमार हाट गए। कौन कौन गए कुमार हाट, हाथ उठा कौन कौन गए, कौन जाना चाहते, बोलो सब ले जाए। देखो हम लोगों ने गए थे दर्शन, तब थी ना हम लोगों ने एक बार ये गौड़ मंडल परिक्रमा किया था। गौड़ मंडल परिक्रमा में कुमार हाट हाट में हम लोग गए थे, वहां पर है जहाँ पर श्री ईश्वरपुरी पाद का जन्मतिथि है, वहाँ बड़े बड़ा सुंदर बना हुआ, पास में गंगा है, बड़ा सुंदर स्थान वहां पर है। इसलिए कहते वहां पर श्री उन्होंने वहीं पर महाप्रभु गुरु जी का नाम लेकर रोए और रोकर क्या किया, वहीं का मृतिका को उन्होंने अपना झोली में उठाया वहां के धूल। क्यों, गुरुदेव ने जन्म हुए है, गुरु जी की चरण धूलि वहां पर है, इसलिए उन्होंने उसको उठाया, उठा करके अपना कपड़े में झोली में बांधे, बांध करके महाप्रभु उसको लेकर के अपना साथ में गए। और महाप्रभु खुद कहते हैं ये जो मिट्टी है ये हमारी प्राण धन है, ये हमारी जीवन धन श्री ये मिट्टी है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं निज भक्त के गुरु रूप में ग्रहण करके मर्यादा बढ़ान है, कहते महाप्रभु स्वयं अपना जीवन में आचरण करते हुए अपना भक्त है, भक्त अपना है लेकिन भक्तों का मर्यादा को, भक्तों की महिमा को भगवान स्वयं यहाँ पर बढ़ा करके दिखाते हैं भक्त की महिमा कितना बड़ा है। बोले आर दिन निवृते ईश्वरपुरी स्थाने मंत्र दीक्षा चाहिले न मधुर वचन। बोले एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु कहते श्री ईश्वरपुरी के पास में गए, जा करके सबको सामने नहीं उनको एकांत स्थान में जाकर गुरु जी के चरण में एकांत स्थान में जाकर के गुरु जी के चरण में उन्होंने प्रार्थना किया। बोले गुरुदेव आप कृपा करके हमें मंत्र प्रदान कीजिए, हमें आप कृपा करके मंत्र प्रदान कीजिए। उन्होंने बड़ी विनम्र भाव से, ऐसे नहीं अहंकार, गुरु जी हमें मंत्र दो, गुरु जी हमें ऐसे नहीं। इसलिए बोले तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया, इसलिए तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा है। कहते ये तीन चीज गुरु जी के प्रति करने पर है क्या होता है, फिर गुरु जी जब संतुष्ट होते हैं तब गुरु जी ये मंत्र प्रदान करते हैं। इसलिए विशेष करके सेवा परिप्रश्न सेवा को द्वारा ही गुरु जी जितने संतुष्ट होते हैं, और किसी चीज को द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं है? इसलिए उन्होंने गुरु जी की सेवा करते हुए, इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, गुरुदेव तीन चार उदाहरण गुरुदेव देते थे। पहले बोलते थे उदालक, उदालक का नाम जानते हो, ये उदालक गुरु जी के आश्रय में आए, गुरु जी की सेवा करते थे। कितने में क्या हुआ, उस समय तो भिक्षा था नहीं, यहाँ पर जैसे
सहारे वहां पर तो गुरु जी का आश्रम जमीन खेती बाड़ी होता था, शिष्य लोग जैसे यहाँ पर जाकर के साग लगाते हैं ना ठाकुर जी के लिए, साग लगाते हैं पहले ऐसे ही साग पनी परिवा और वहाँ पर सब चावल यही होता था, शिष्य जाकर खेती में गुरु जी की सेवा करते थे जैसे करुणा प्रभु जी कर रहे हैं। करुणा प्रभु जी है यहाँ पर कहाँ है, इसलिए पहले ऐसे ही होता था, ऐसे ही खेती करते थे और इसको द्वारा क्या होता है संस्कार बनता है, इसलिए कहते श्री कहाँ पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जग श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में कुछ भक्त लोग आए बोले गुरु जी हमें हमें अष्टगाली और चिंता करने के लिए राधा कृष्ण की निभृत निकुंज लीला की चिंता करने के लिए हमें मंत्र प्रदान करो हैं, हम अष्टगाली लीला चिंतन करेंगे। तब गुरु जी ने कहा देखो अभी तुम लोग घर बार छोड़ छाड़ करके आए हो, अभी तुम्हारे हृदय में संसार की वासना बड़ा हुआ है, हैं वासना बड़ा हुआ है, अभी तुम लोग ये मंत्र की अधिकार तुम लोग ने है नहीं, इसलिए एक काम करो जाओ वहां पर खेती है और खेती में क्या करो बैगन लगाओ भिंडी लगाओ साग लगाओ वहां पर लगाओ, लगाने पर क्या होगा अभी तुम्हारी जो परिश्रम होगा परिश्रम होने पर वो जो साग सब्जी दाल वो जो बैगन आकर क्या होगा आकर के श्री ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, ठाकुर जी की सेवा में लगने पर फिर तुम्हारी संस्कार बनेगी, संस्कार बनेगी तो फिर जाकर के भजन कर सकते हो, जाओ खेत में काम करो। तो शिष्य लोगों ने बोले ये इतने ये इतने लिखा पढ़ा है ही नहीं ना है? ये तो इतना लिखा हाँ कहते ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये गौर किशोर बोले श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जब उन्होंने मंत्र मांगे बोले अभी ये गुरु जी इतने लिखे पढ़े है ही नहीं ना, अरे हम घर में तो यही काम करते थे खेती बाड़ी यही तो करते थे घर में, घर छोड़ कर यहाँ भजने के लिए आए, कहाँ राधा कृष्ण की निभृत निकुंज लीला की हम चिंतन करेंगे, हाँ ये कह रहे जाओ खेती बाड़ी करो पहले जो काम करते थे वही काम करो। बोले नहीं भक्ति विनोद ठाकुर लिखे पढ़े आदमी है, जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर आएंगे ना फिर उनको प्रश्न करके फिर वो जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी आए तब जो शिष्य लोग थे बोले ठाकुर जी हम कहते हैं हमें सिद्ध मंत्र प्रदान करो अष्टगाली लीलाओं को चिंतन करेंगे, ये गुरु जी कहते खेती बाड़ी करो, हम तो पहले तो घर दुकान मकान यही तो जिंदगी भर किया और मंदिर में भजने के लिए आए पता नहीं ये कह रहे खेती बाड़ी करो। तब श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते बोले देखो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे जिहादो स्वयं स्फुरत, इसलिए ये जड़ इंद्रियों को द्वारा ये अपराकृत दिव्य ऐ मुक्त कुल रूपा समानम है, इसलिए मुक्त कुलों की उपास्य है, इसलिए ये बद्ध अवस्था में जब तक हमारी संस्कार नहीं बनता है, अभी मंत्र ध्यान करने के लिए बैठोगे हैं राधा कृष्ण की लीला को चिंता करोगे अपना लीला चिंतन आ जाएगी है, पहले हम क्या करते थे पत्नी को साथ में घर में क्या करते थे ठाकुर को लीला क्या चिंता करोगे अपना घर बाड़ी दुकान वगैरह की याद आएगी, इसलिए उसमें अपराध होगा इसलिए जाओ वो जो कह रहे हो वो सिद्ध महापुरुष जो कह रहे वो काम करो जाकर के करो, फिर जाकर के उन्होंने किया। इसलिए पहले सब खेती बाड़ी होता था गुरु जी के आश्रम पे और जाकर खूब परिश्रम करते थे, करने पर उसमें जो दाल चावल सब्जी होता था वो क्या होता था फिर जाकर के ठाकुर जी की सेवा में लगता था, ठाकुर का सेवा में फिर वैष्णव का सेवा में, एक तो भगवान की सेवा फिर भक्तों का सेवा दोनों की सेवा में होता था, होने पर फिर संस्कार बनती थी, फिर संस्कार बनने पर फिर धीरे धीरे क्या होता भक्ति में बढ़ते, इसीलिए क्या करनी चाहिए जितना दूर हो सके मेरे जो गुरुदेव कहते थे किसी तरह से एक जीवन बटवास करो, हमें गुरु जी कहते थे सब मिलीजुल करके एक जीवन किसी तरह से तुम लोग बटवास करो करके ये शरीर को रगड़ते हुए गुरु वैष्णव की सेवा में लगा, गुरुदेव कहते थे जब गुरु वैष्णव की सेवा ठाकुर की सेवा करेंगे जब हमारी संस्कार बनेगी फिर जाकर के धीरे धीरे भजन में उन्नत होगा। इसलिए हम तो बहुत कथा सुनते हैं श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम कितने कितने कथा स्नेह मान प्रणय राग वगैरह कुछ होता ही
इधर सुनकर इधर निकल जाती है। बोले कारण क्या? बोले हमारी संस्कार कुछ है नहीं, हमारी संस्कार विहीन है। इसलिए गुरुजी, मेरे गुरुजी कहते थे एक जीवन। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते थे, सत लांछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी भगवान की भजन नहीं छोड़ना, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। मेरे गुरुजी कहते एक जीवन किसी तरह से बिताओ। देखो साधारण लोग हैं कितने, क्या करते हैं, सोते रहते हैं सवेरे रात 1-2 बजे तक देखेंगे, टीवी देखेंगे और क्या करेंगे, सोते रहेंगे। रात 10-11 बजे सवेरे उठेंगे, फिर खा पी कर चल भागेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कितने बड़ी साधन है। यहाँ पर कितने बजे उठना पड़ता, 4 बजे उठो हैं, उसके बाद में नहा धो करके तिलक लगा करके फिर ठाकुर जी की आरती में आओ हैं। जिस समय 4 बजे उठते हो क्या चिंता, ठाकुर की आरती में जल्दी जानी चाहिए, जल्दी उठनी चाहिए, ठाकुर की आरती में जाएंगे तिलक लगा करके, ठाकुर जी मंगल आरती से पहले गुरुपाष्टक प्रभुपाद का अष्टक फिर ठाकुर जी की आरती, उसके बाद में हरि गुरु मंत्र जप करते हैं, हरि नाम करते हैं, फिर कीर्तन में बैठते हैं, फिर उसके बाद में हरि कथा सुनते हैं। ऐसे देखना फिर प्रभु जी महाराज जी आपको श्लोक देते हैं, पर जो श्लोक देते हैं ना ये बहुत बड़ा साधन है, ये इतने बड़े साधन है ना। दिन भर बच्चों को दिमाग में क्या रहता है, हैं तद्विज्ञानार्थम सगुरुम अवगच्छे तद्विज्ञानम सगुरुम अवगच्छे समित वाणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित वाणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दिन भर दिमाग में मैं देखता हूँ बच्चे लोग तो दिन भर रटते रहते, जब क्लास में बैठते ना प्रभु महाराज से कथा सुनाते, लेकिन वो नीचे देखते रहते श्लोक रटते रहते। एक बहुत बड़े साधन है क्योंकि ये जो वाणी है ना ये किसका, वेद का वाणी है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भगवान की मुख निश्रित वाणी है। जब ये श्लोक को रटते है ना ये दिव्य शब्द है, ये भगवान की मुख निश्रित वाणी, ये दिव्य शब्द है। जब श्लोक को दिन भर रटते रहते हो उसको है, फिर क्या होता है 9 बजे तक एकदम पूरा 4 बजे से लेकर के 5-6-7-8-9 5 घंटा तक देखना दिमाग इधर उधर कभी जाता ही नहीं, जाता है दिमाग एकदम नहीं जाता है, कितने बड़ी साधन है। उसके बाद में दिन में श्लोक रटते रहते फिर ठाकुर को आरती प्रसाद, फिर उसके बाद में फिर शाम को अगर कीर्तन करते कथा सुनते हैं, अभी फिर कथा सुनता हूँ कितना बजे तक 8:30-9 बजे तक, ऐसे पूरा के पूरा। मेरे जो गुरुदेव कहते थे ये मेरे गुरुजी का वाणी है, कहते थे तुम सोच नहीं सकते हो कितने बड़े संस्कार तुम्हारी अंदर में रेखापात कर रहे हैं, कितने बड़े संस्कार। दिन भर ठाकुर का सेवा, गुरु वैष्णव का चिंता, भगवत चिंता में सारा दिन मंदिर में आपको भक्ति प्रज्ञा। केशव गोस्वामी महाराज कहते थे एक कोई आया है, कोई बूढ़ा होने पर भगाते थे ना, बूढ़ा भी काम करने, तब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे अरे जब कोई बाहर से कोई यात्री आता है जैसे मंदिर है, कम से कम ठाकुर के सामने तो कोई बैठा हुआ देखेगा, जब बाहर से कोई नहीं ठाकुर के सामने कम से कम वहां तो बैठा हुआ देखेगा, नहीं ठाकुर के सामने कोई बैठा हुआ है, जब कम से कम ठाकुर का जब आरती होता है उसको बेल तो कम से कम बजाएगा, भगवान की आरती हो रही है उसमें जो बेल बजाना कहते थे वो साधारण बात नहीं, ठाकुर की आरती में बेल बजाना ये कोई साधारण बात नहीं, उसको द्वारा उनका कितने बड़े संस्कार बनता है, कितने बड़ी संस्कार बनती हैं। इसलिए प्रभुपाद का समय में क्या हुआ, एक समय किसी ब्रह्मचारी ने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया तो उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उस समय वो सब देखभाल करते थे, हैं एकदम घोड़े को पीठ पर बैठ करके हाथ में चाबुक लेकर के हैं घूमते थे, छड़ी लेकर के घूमते थे, हैं उसको देख करके मुसलमान कांप जाते थे, डरते थे विनोद बाबू। अब उस समय सारे देखभाल करते थे, किसी ब्रह्मचारी ने उल्टा पुल्टा कर दिया तो किस प्रभुपाद को पास में शिकायत दी, बोले प्रभुपाद ये दिन भर भजन कुछ नहीं उल्टा पुल्टा करता रहता है। उन्होंने शिकायत गया तो उन्होंने विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को बोले इसका बिस्तरा बेडिंग बिस्तरा बांध कर इसको देख करके बोल देना तुम घर में चले जाओ। अभी बोल दिए फिर ऊपर से बड़ी तो कठोर है वज्रा दबी कठोर आने मृदुनी कुसुमानी चा, हाँ ऊपर से वज्र जैसे कठोर है लेकिन हृदय में ना मतलब मृदुनी कुसुमानी चो फूल से भी ज्यादा उनके हृदय कोमल है, इसलिए संत हृदय नव नीत समाना। उन्होंने उनको भेजा नहीं, उनको नहीं भेजा, उन्होंने जब भेजा नहीं क्या होता है, शाम का समय में जैसे आरती होती है ना
आरती के बाद में सबके सब जाकर के प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। इसलिए हम लोग भी जब परिक्रमा हो जाते थे वहां पर मथुरा में जाकर सबके सब गुरु जी को प्रणाम करते थे। इतने में सबके सब गए लेकिन विनोद बिहारी गया नहीं। पूछे विनोद बिहारी कहाँ गया, विनोद बिहारी कहाँ गया है, उसको बुला उसको। तो उसको बुलाए, जब बुलाए तो उन्होंने बोले तुमने, मैंने कहा था ब्रह्मचारी की बिस्तरा बेड़ी की बिस्तरा बांध कर घर में भेज देना, तुमने भेजा कि नहीं। तो वो कहते बोले गुरुदेव ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को क्या होता है, सदगुरु का प्राप्त होता है, वैष्णव का दर्शन होता है। कितने जन्म भटकते भटकते आप जैसे संतों का दर्शन मिला है, हैं दर्शन मिला है। अगर उसको यहाँ से भेज देंगे, हाँ पूर्व संस्कार बसत अंदर में कुछ भावना है, लेकिन वहां जाकर क्या बदल जाएगा, वहां तो जाकर के ज्यादा ही खुरापात करेगा, संसार में जाकर ज्यादा उत्पाद करेगा वहां जाकर के। लेकिन कम से कम आपका शरण में रहेगा, धीरे धीरे वैष्णव को देख करके कथा सुन करके हैं, धीरे 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 कितने सौभाग्य से आया। अगर हम उसको निकाल दिया फिर वो करेगा क्या संसार में जाकर के, फिर उसी माया में तो भटकते रहेगा ना। इसलिए गुरुदेव, इसलिए आप उसको फिर कृपा करो। उन्होंने बुला करके लाए हैं आपको परम गुरुदेव, उसको समझाया जाओ गुरु जी के चरण में माफी मांगो, माफी मांग करके प्रभुपाद के चरण में बोलो आज से मैं और ये गलत काम कभी नहीं करूंगा। फिर उन्होंने आकर माफी मांगी, उसके बाद उन्होंने भजन किया। बोले एक समय और एक बार क्या हुआ, एक बार मायापुर मंदिर में गए कि नहीं, नवद्वीप मायापुर मंदिर बहुत बड़ा जमी जगह है, वहां पर सब खेती होता था, जैसे वहां पर फूल गोभी की, बंद गोभी की, बैगन, भिंडी सब खेती होता था। किसी एक चोर ने गया, चोरी कर रहा था फूल गोभी और उसको ले रहा था, जब ले रहा था पकड़े में आ गया, ब्रह्मचारी तो धुलाई कर दिया उसको, धुलाई कर दिया। इतने में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास में खबर गया, ऐसे ऐसे विनोद बाबू के पास में गया, ऐसे ऐसे चोरी कर रहा था ठाकुर का चीज। तब इन्होंने भाई उसको मारना नहीं, उसको बुलाया, बुला करके ना फिर जो बंद गोभी और जो फूल गोभी था ना वहां से उठा कर खेती से उसको कपड़े में बांध कर बोले जाओ इसको लेकर चले जाओ। बोले अब क्या कर रहे हो, वो चोरी कर रहा था। बोले उसको अभाव तरह से चोरी कर रहा था हैं, इसलिए उन्होंने जब फिर उन्होंने बंद गोभी फूल गोभी देकर के उसको और वहां से भेजा ना, उसका हृदय तो एकदम पिघल गया। बोले संत लोग कितने दयालु, कहां पिटाई मार रहे थे खा रहे थे, उन्होंने बचाया फिर दे दिया है, फिर दे दिया उनको बाद, मतलब उनका हृदय इतने उनके हृदय कोमल था, फिर उसको बाद में फिर वो परिवर्तन हो गया, फिर वो व्यक्ति परिवर्तन हो गया, फिर भक्त बना मायापुर की भक्त बना उसने। इसलिए हाँ यहाँ पर क्या बोल रहे थे, इसलिए यहाँ पर पहले खेती होता था सबके सब खेती काम। अभी उदालक, ये जो उदालक था इसने बारिश हो रही थी, बोले बेटा जाओ खेत में पानी ऐसा ना बैठ टूट टूट करके पानी नहीं चले जाए, पानी चले जाएगा तो धान नहीं होगा, धान के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। उन्होंने गए, उदालक ने क्या किया, वो कोशिश किया मेड़ को बांधने के लिए, लेकिन बारिश होती जोर से जितना मिट्टी दे सब बह जाए, सबके बह जाए। लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ ना पूरा लेट गया। गुरुदेव ने देखा उदालक क्यों नहीं आया, ढूंढते ढूंढते बोले उदालक तुम कहाँ हो। बोले गुरु जी हम यहाँ पर। बोले वहां क्या कर रहे हो, देखा एकदम लेटा हुआ मेड़ में और पानी से ना बारिश हो रही थी और खेती में तरफ पानी एकदम ठंडा कमारे शरीर कांप रहा था। गुरुजी जब उसके अंदर में ये सेवा की भावना देखा ना, गुरुजी संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होकर गुरुदेव उनको आशीर्वाद दिए, बोले जा तुम्हारे हृदय में सारे शास्त्र तत्व ज्ञान स्फूर्ति हो जाएगी है। गुरुदेव उदाहरण, फिर गुरुदेव उपमन्यु को उदाहरण देते थे। उपमन्यु आया गैया चराया करता था, लेकिन देखा गुरुदेव भोजन नहीं देते हैं, लेकिन देखा उसका शरीर हृष्ट पृष्ट, बोले तेरे को मैं तो खाना नहीं देता हूँ, शरीर इतने हृष्ट पृष्ट कैसे है। बोले गुरुजी मैं दूध पी लेता हूँ। बोले दूध तेरे लिए है ना, दूध बछड़े के लिए, खबरदार बछड़े भूखे रह जाएंगे, दूध नहीं पीना। उसके बाद में बोले गुरु जी ठीक है, फिर देखा तब भी शरीर हृष्ट पृष्ट है। बोले फिर तुम्हारी शरीर हृष्ट पृष्ट कैसे, क्या खाते हो। बोले गुरु जी जो बछड़े दूध पीते है ना उसको दोनों धार से झांक बनती है, वो झांक को खा लेता हूँ। ए
इसलिए बछड़े लोग जान बुझ करके तेरे लिए ज्यादा झाग बनाते, हाँ झाक नहीं गाना, झाक छोड़ दी, अभी भूख लगा खाएगा क्या, जो आकंद का पेड़ को तोड़ करके देना उसका जो जूस है ना दूध दही से बास होता जहरीला उसको खा लिया तो आंख अंधे हो गए और कुएं भी गिर पड़े। इतने गुरु जी ने देखा तो वापस नहीं आया, कहाँ गया, बोले उपमन्यो उपमन्यो, बोले गुरु जी यहाँ पर तू कहाँ पर, बोले गुरु जी अंधा हो गया, भूख लगा तो आकंद का जूस पी लिया अंधा हो गया कुएं में गिर पड़ा। फिर गुरुदेव ने फिर वहां से निकाले आंख में हाथ घुमा दिया तो फिर दोबारा आंख निकला, फिर उसका आशीर्वाद दी, देखो अभी उनका नाम। फिर गुरुदेव फिर सिखा देते थे सुदामा और कृष्ण, कृष्ण सुदामा, ये दोनों को गुरुदेव ने गुरु माता ने लकड़ी बिनने के लिए भेजे, लेकिन लकड़ी का गठिल सर में लेकर खड़े घना घोर बारिश से आया, चारों तरफ में पानी पानी हो गया, फिर तो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, गठिली सर में ऊपर गठिली है क्यों भीग जाएगा तो रोसे ही नहीं बन पाएगा हैं। इतने में गुरु जी आए बोले सुदामा कृष्णा तुम दोनों कहाँ हो, बोले गुरुदेव यहाँ पर, बोले यहाँ क्या कर रहे हो, बोले गुरु जी बारिश कहाँ जाए नहीं जाए पता नहीं चल रहा है। अरे गुरुदेव ने क्या किया, इनकी सेवा चेष्टा को देखकर कहाँ भगवान है विश्व ब्रह्मांड का मालिक, जिनकी एक इशारा पर कितने ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, आज भगवान गुरु जी सेवा शिक्षा देने के लिए स्वयं सर के ऊपर में लकड़ी की गठिल लेकर खड़े हुए। गुरुदेव इसका उदाहरण देते थे कितने सेवा है, और सचमुच से देखो सुदामा कृष्ण चरित्र सारा दुनिया। इसलिए गुरुदेव जिन जिनियों ने गुरु जी की सेवा किया ना जगत में इनका नाम उजाला। फिर गुरुदेव कहते थे फिर रूप गोस्वामी की कथा कहते थे, बोले श्री चैतन्य मनभीष्ट स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददासी तो पदार्थितम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी का उदाहरण देते थे इन्होंने कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनभीष्ट है कैसे उन्होंने उनकी मनभीष्ट को उन्होंने कैसे पूर्ण किया है, है? महाप्रभु का जो मनभीष्ट है, महाप्रभु जगत में क्यों आए, किस लिए आए, जगत में क्या देना चाहते थे, क्या देना चाहते थे, जिनकी श्लोक सुन करके तुंडे तांडविन वितरुते तुंडावली लब्ध है अनर्पित चरे चिराग करुण, जिस श्लोक को सुन करके महाप्रभु का हृदय एकदम प्रेम में गदगद हो गया है, क्या तुमने श्लोक लिखे है रथ यात्रा को सामने कौन सा भाव में महाप्रभु अभिष्ट होकर के क्या बोल रहे हैं जिसको कोई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी समझ करके ताल पत्र में लिख करके उन्होंने ऊपर में रख दिए, जिसको महाप्रभु देख कर क्या खुश हो गए, बोले मेरी हृदय की बात तुम समझा कैसे, कैसे तुमने समझा। इसलिए गुरुदेव इस सब चीज को उदाहरण देते थे, गुरुदेव उदाहरण देते थे है, इसलिए समर्थ का अनुरूप गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। इसलिए एक तो गुरु जी का जो मनभीष्ट है, गुरु जी का क्या मनभीष्ट है, कहते एक मनभीष्ट है शुद्ध रूप में निष्कपट रूप में भजन करो और उसको साथ साथ में महाप्रभु का वाणी को जगत में प्रचार करो, ये गुरु जी की ये मनभीष्ट, यही मनभीष्ट श्री गुरुपाद पद्म की। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं है? इसलिए कहते भैया ये मंत्र दीक्षा का मतलब क्या है, है? मंत्र दीक्षा का मतलब है, कहते भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी इसी संबंध में कहते हैं, कहते मंत्र दीक्षा मतलब होता है शिष्य को ऊपर में गुरु जी की अनुग्रह, शिष्य मतलब होता है क्या बेटा होता है ना, शिष्य बेटा होता है, है? इसलिए दीक्षा मतलब होता है उनको ऊपर में गुरु जी की जो अनुग्रह उनकी जो कृपा ही, यही मंत्र दीक्षा है, मंत्र को दीक्षा प्रदान करना। इसलिए कहते हैं मननात धर्मात त्रायत इति मंत्र, मंत्र क्या करता है हमारे जो मन धर्म है जो संसार का धर्म से जो हमें ये ऊपर ले जाता है, ये मंत्र जो ऊपर ले जाते हैं। इसलिए नियम है मंत्र जप करते समय कैसे करनी चाहिए, मंत्र जप ऐसे नहीं जहाँ तहाँ बैठ गए और जैसे जैसे तो मंत्र करना शुरू कर दे, नहीं, नियम है आचमन पात्र लो लेकर के गंगे से जमुने चाहिए वो गोदावरी, क्योंकि जो हरे कृष्ण महामंत्र है जहाँ जैसे तैसे जहाँ तक तुम कर सकते हो, लेकिन मंत्र को ऐसे नहीं कर सकते हैं, मंत्र ऐसे नहीं, इसलिए उसके लिए उचिष्ट पुशिष्ट किस चीज की कोई विचार नहीं, लेकिन मंत्र जप करने के लिए क्या करनी चाहिए, अगर ठाकुर जी है ठाकुर को सामने बैठ कर करो, क्यों जिधर ठाकुर जी उधर ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब उधर ही है, लेकिन जब ठाकुर जी नहीं है ना सवेरे
पूर्व दिशा का तरफ में शाम को, उत्तर दिशा का तरफ में मुंह करके मंत्र जप करनी चाहिए, और ऐसे नहीं आसन को बिछा करके, आसन को बिछा करके करनी चाहिए, आसन को बिछा करके पंचपात्र लेकर के उसमें गंगे से जपने चाहिए, गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि गुरु नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था मुगतो पिवा जस स्मरेत पुण्डरीकाख्यम सब आह्य आभ्यंतर सु। जरूर ये मंत्र बोलना, ये मंत्र नहीं बोलकर ये नहीं करनी चाहिए, ये बोल करके फिर मंत्र नहीं तो मंत्र फल नहीं देता है, हैं? इसलिए मंत्र जप करने के लिए विधि विधान की जरूरत है। और तीन बार आचमन माधवाय नमः केशवाय नमः नारायण आचमन, उसके बाद में तिलक को स्थापन करना, ललाट केशव नाय उदर नारायणाय नमः बख्य माधवाय नमः कंठे गोविंदाय नमः दक्षिण पार से विष्णवाय नमः मधुसूदन नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय दव धराय ऋषिकेश पृष्ठ पद्मनाभ कटिम दामोदर मस्तक में वासुदेव। इसको ठाकुर जी को स्थापन करने पर हम शरीर पवित्र होता है, उसको बाद में फिर मंत्र जप करनी चाहिए। नियम है मंत्र अगर जप बीच में कुछ दिन छोड़ दे फिर ये मंत्र शक्ति खत्म हो जाती है। तीन दिन अगर कंटिन्यू ये मंत्र जप नहीं किया ना, गुरुदेव के पास हम दो बार मंत्र सुननी चाहिए, ये नियम है, है? इसलिए मंत्र जप ठीक टाइम से अनुरूप मंत्र जप करनी चाहिए। और फिर उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो कहते मंत्र जप करते करते मंत्र स्वयं कृष्ण है, मंत्र स्वयं कृष्ण, कृष्ण मंत्र स्वयं कृष्ण, राधारानी के मंत्र स्वयं राधारानी, गुरु जी का मंत्र गुरुदेव, स्वयं हृदय में ये मंत्र स्वयं प्रकटित होता है। लेकिन कम से कम जो गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे श्री कौन है जो बृहद भागवत में गोप कुमार है, गोप कुमार ने वो क्या करते थे, गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हुए थे जब जब उनको समय मिलता था क्या करते थे, मंत्र जप करते थे। मंत्र जप करने पर ये मंत्र शक्ति क्या करता था, उनके मन में जो जो इच्छा होता था ये मंत्र सब कुछ इच्छा, सब इच्छा को ये पूरी कर देता था। हम ये सेवा चाहते वही सेवा मिली जाती थी, पर मंत्र ही भूर भुव मोह जन तप सत्य सब लोग को पार कराते हुए वैकुंठ द्वारका अयोध्या मथुरा लास्ट उसको वृंदावन में लेकर कृष्ण के साथ में मिला दिया मंत्र। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये मंत्र को ध्यान से ये मंत्र जप करनी चाहिए, मंत्र जप कभी बात नहीं करनी चाहिए, और कम से कम मंत्रार्थ चिंतन करनी चाहिए। मंत्रार्थ चिंतन मतलब है कम से कम हमें मंत्र का थोड़ी बहुत मीनिंग पता होनी चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं मंत्र में, क्या बोल रहे हैं वो मंत्र में, ऐसे नहीं मन और कहीं और यहाँ पर मंत्र जप कर रहा हूँ, नहीं। गुरुदेव ये विशेष कर गुरुदेव बात बोलते थे, गुरुदेव हम देखा जो महाराज करते थे तुलसी को सामने रख करके आसन में बैठ करके, हमने मथुरा बहुत बार देखा जब गुरुदेव मंत्र जप कर उठते थे ना, गुरुदेव का आंख एकदम लाल हो जाता था, एकदम गुरुदेव का आंख लाल, क्यों, क्योंकि जो मंत्र है ना ये स्वयं कृष्ण है, स्वयं राधारानी, स्वयं महाप्रभु है। ये मंत्र अगर सही सही जप करो, साधारण बिजनेस करो ना उसका तो फल मिलता है ना, ये मंत्र साक्षात भगवान है। इसलिए गुरुदेव जब उठते थे हम देखता था गुरुदेव का आंख एकदम लाल एकदम बन जाती थी, क्योंकि संपूर्ण गुरुदेव उसी मंत्र में निविष्ट होते थे, अपना मन को निविष्ट कर देते थे मंत्र में। इसलिए कम से कम मंत्र का थोड़ी बहुत तो हमें मंत्र का पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं मंत्र जप कर रहे हो इधर उधर देख रहे हो, वहां देख रहे हो यहाँ देख रहे हो और मंत्र ऐसे ऐसे कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। मंत्र जप करते समय कोशिश करनी चाहिए मंत्रार्थ थोड़ी थोड़ी तुम्हें पता हो, जो तुम बोल रहे हो मंत्र उसका क्या मीनिंग, मंत्र में क्या कह रहे हैं, प्रचोदयात उसमें कहते हैं ना लास्ट में, कहते अधिकांश मंत्र में प्रचोदयात, प्रचोदयात मतलब क्या है, कचुदरी मतलब उदय, कहते वो महाप्रभु हमारे हृदय में उदय हो, गुरु जी हृदय में उदय हो, हैं? इसलिए भगवान हमारे हृदय में उदय हो, है उदय हो, इसलिए प्रचोदयात है, इसलिए पूर्ण रूप में हमारे हृदय में ठाकुर जी उदय हो जाए। इसलिए गुरुदेव कहते थे मंत्र को ठीक ठीक से जप करो, हैं? इसलिए मंत्र जप करते समय एकदम ध्यान से, इसलिए हमारे गुरु जी के मठ में जब मंत्र जप करते हैं ना तीन बार ताली बजाते हैं हमारे मंत्र गुरु जी के, बोले क्यों, बोले आसपास में कोई अगर हो, आसपास में अगर कोई हो उनको पता चले कोई मंत्र जप कर रहे हैं, बात नहीं करें,
हैं, जो मंत्र में अभिष्ट होकर जब कर रहे हैं ना, इसलिए पता चले भैया यहाँ पर कोई बैठ करके मंत्र जब कर रहे, आग्रह होला कर रहे नहीं, उस समय एकदम मन को स्थिर करते हुए मंत्र को जब करनी चाहिए, तभी मंत्र एक दिन हृदय में संख्यात रूप में हृदय में परिपूर्ण हो। इसलिए कहते जो मंत्र है, कृष्ण मंत्र हरित हवे संसार मोचन, कृष्ण कीर्तन से कृष्ण प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति। इसलिए कहते ये मंत्र जितना गंभीर से जप करेंगे ना, उतना ही ये संसार का बंधन हमारी मुक्ति होएगी, हैं? इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं जो मन धर्म से हमें उठा करके भगवान के चरण में ले जाए, बाह्य भोग्य अनित्य जगत है, भोग्य वस्तु प्रति आसक्ति परित्राण करे मंत्र। ये मंत्र मतलब क्या, कहते जो बाह्य जगत का जो भोग्य वस्तु से ये मंत्र ये आसक्तियों को से परित्राण, आसक्तियों को ये काट देता है, ये मंत्र काट देता है। इसलिए विष्णु जामल में क्या बताए, ज्ञानम जतो दध्यात है, कहते मंत्र क्या करता है हमें हृदय में भगवत ज्ञान प्रकाश करने वाले, ये मंत्र दिव्य ज्ञानम कुर्जात पाप के हृदय में प्रदान करता है, हैं? कते कते भगवत ज्ञान दोनों जड़ जगत रे निष्किंचन हैते सब जगाए, तो सेवा वाले। इसलिए कहते जो दीक्षा में कितना तरह का संस्कार संस्कार है, कहते ताप ऊर्ध पुंड्र नाम एवं मंत्र एवं जाग, कहते ये पांच संस्कार है, हैं? इसलिए कहते ये पांच, तो ये पांच संस्कार की क्या जरूरत, बोले कि ताप, ताप मतलब होता है कहते जो रामानुज संप्रदाय में एक होता है जो शंख चक्र गदा पद्म उसको उसको ये करके उसको गर्म करते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करके हाथ में ना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर शरीर में उसको लगा देते हैं, लगाने पर क्या होता है गर्म करके लगा देते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह हो जाते हैं, क्योंकि जो वैकुंठ में जितने परिकर है सबके सब हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, इसलिए ये शरीर में, इसलिए वहां पर बताया ना जिस समय जो राधा कुंड में जो भजन करता था एक भक्त, जब राधा रानी की चिंतन करता था राधा रानी स्वयं हृदय में जैसे प्रकट होती थी, दर्शन होता था, लेकिन जब उसने गया द्वारका में गया है, द्वारका में गया फिर वहां पर ये सब ताप लगा करके आया शंख चक्र गदा पद्म, फिर जब राधा कुंड में बैठ कर भजन करने के लिए किया, राधा रानी का स्मरण नहीं हुआ, राधा रानी का बहुत कोशिश किया लेकिन पहले राधा कुंड में बैठकर जब भजन करते थे बड़ा आनंद आता था, एकदम डूब जाते थे, अभी कोई स्मरण उनकी होती नहीं, कोई स्मरण नहीं हो रही है, फिर तो उन्होंने बड़े व्याकुल हो गए, बोले हे राधे क्या हो गया, अब हृदय में पहले जैसे स्फूर्ति होती थी क्यों स्फूर्ति नहीं होती, आकाश मानी, बोले बेटा तुम मेरी चरण में रह रहे थे, मेरी चरण में किस चीज का भाव था, तुम जो द्वारका गया, गया तो गया पर वहां पर तुमने क्या लगाया, पर शंकर चक्र चिन्ह लगा तुम आ गया, हैं? लगा कर तुमने आ गया फिर वहां से, इसलिए इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हारे प्रति नहीं होएगी, हैं? नहीं होएगी, फिर तुमने शरीर त्याग देना पड़ा उनको। इसमें एक ताप है जो जो रामानुज संप्रदाय में होते हैं उन लोग ताप लगाते हैं, इसलिए कन्वर उर्ध्र पुंड्र, लेकिन हम लोग ताप नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं ललाट के सवाय नमः, उदरे नारायणाय नमः, बखे माधवाय नमः, कंठे गोविंदाय नमः, दक्षिण पार्श्व विष्णुवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हम सब भगवान का नाम का जो तिलक द्वादश अंग में, ठीक है ना, इसलिए द्वादश अंग में तिलक लगानी चाहिए। इसलिए और क्या बोला नाम संस्कार, पर गुरुदेव क्या करते हैं पहले जो नाम होता है वो नाम को पहले रख करके उनको ब्रह्म संबंधी नाम से जोड़ देते हैं, सबके सब तमाल कृष्ण दास, क्या दास, जुगल कृष्ण दास, राधा रमन दास, सब भगवान का दास को साथ में भगवान के साथ में सब जोड़ देते हैं, है? पहला अक्षर रख करके, इसलिए कहते ये नाम ये संस्कार, उसको बाद में फिर कहते मंत्र प्रदान करते हैं, है? जो गुरु मंत्र, ब्रह्म मंत्र, गायत्री, कृष्ण मंत्र, फिर मंत्र संस्कार, फिर उसके बाद फिर जाग संस्कार, और जो यज्ञ होता है ना यज्ञों के द्वारा उन्होंने मंत्र पढ़ करके उनको जो जनेऊ संस्कार होता है,
कहते उसको ये सब संस्कार, ये पंच संस्कार है। कहते ऐसे क्यों करते हैं? तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते जो पंच संस्कार रूप का जो दीक्षा संपन्न है, कहते उसको द्वारा उसको संपूर्ण रूप में उसका संस्कार को बदला देते हैं। क्योंकि उसको पंचरात्रि की दीक्षा लब्ध जन ही अर्चन जो मार्ग ठाकुर को जो सेवा पूजा है, ठाकुर को सेवा पूजा कौन कर सकते हैं? केवल पहले ब्राह्मण लोग ही करते थे। पर ब्राह्मण घर में जन्म होने पर नहीं, जब तक तो उनको उपनयन संस्कार नहीं होता था ना, तब भी ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए पहले आकर के जब ये सब दीक्षा मंत्र को द्वारा ये पांच तरह के जब संस्कार होता है, इसलिए कहते श्लोक है, याद है किसको? कहते तो श्लोक है, किसी रासायन प्रक्रिया को द्वारा जैसे कांसा को जैसे सोने सुवर्ण प्राप्त कराते हैं, जैसे कांसा को ऐसे एक रासायन प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया द्वारा क्या करते, जो कांसा को सोने में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक उसी तरह ये मंत्र दीक्षा को द्वारा द्विजत्व जायते ऋणाम है। फिर क्या होता है, इसलिए फिर हमारी संप्रदाय में क्या है, उनको द्विजत्व जब दीक्षा मंत्र जनेऊ लेकर के संपूर्ण संस्कार कर देते ना, फिर वो व्यक्ति द्विजत्व प्राप्त हो जाता है, द्विजत्व वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए तभी जाकर कोई ठाकुर को अर्चन सेवा पूजा कर सकता है, नहीं तो ठाकुर का अर्चन सेवा पूजा में सभी का अधिकार नहीं, वही व्यक्ति अर्चन पूजा कर सकते। तो पहले पहले जब जो नियम था ना गौड़ीय मठ में, बड़ा स्ट्रिक्ट नियम था, सोच नहीं सकते हो इतने स्ट्रिक्ट नियम। जो व्यक्ति केवल हरिनाम हुआ है उसकी अभी दीक्षा नहीं मिला है, जहां पर दीक्षित लोग जिस आसन में बैठते थे उसी आसन में उसको बैठने नहीं देते थे, उसको अलग बैठना पड़ेगा। जैसे ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बना है, वो प्रसाद को अधिष्ठित व्यक्ति वो प्रसाद को छू नहीं सकता है और परिवेषण नहीं कर सकता है, उसका हाथ से जो दीक्षित व्यक्ति है उसका हाथ से खाना नहीं खाते थे, उसको कोई चीज को स्पर्श करने भी नहीं देते थे। ठाकुर को घर में तो घुसना ही, हमारे गुरु जी के बैठे में प्रभु जी दीक्षित होने पर भी उसको ठाकुर जी का जो रसोई बना वही केवल ठाकुर रसोई घर में प्रवेश कर सके, जो रसोई दूसरे व्यक्ति क्यों आज बन रहा है, ये तो बढ़िया समझी, अरे क्या हो रहा है महाराज बन रहे। पहले क्या होता है, हम भोगी ना घृणार्धे अर्ध वचन, पहले उसको प्रति भोग बुद्धि हो जाता है यार, साई पनीर मटर पनीर बन रहा है आज। इसलिए ये कहते भैया, और इसलिए नियम है जो चीज ठाकुर के लिए बनता है, कुत्ते नहीं देखे जल्दी पानी आ जाता है, कोई चीज देखते ही मुंह में, इसलिए नियम है। इसलिए ठाकुर का जो प्रसाद बने, हमारे मंदिर में जो जो प्रसाद बनाते है ना, उसका कपड़ा अलग रहता है, जाएगा वो कपड़ा पहन करके ही रसी घर में जाएगा है, और जैसे तैसे कपड़ा पहन के रसी घर में नहीं जाएगा, वो देखेगा भी नहीं। हमारे गुरु जी के बैठे मनाए सब व्यक्ति रसी घर में प्रवेश वर्जित है जिस समय ठाकुर जी की प्रसाद बनता है, क्योंकि कहते रसोई घर और ठाकुर जी का घर एक ही है, ये दोनों एक ही जगह, ठाकुर का घर और रसोई घर एक ही स्थिति है। इसलिए कहते जब तक ये पंच संस्कार को प्राप्त नहीं करता है, प्रभुपाद कहते हैं भैया तब तक ये ठाकुर को सेवा पूजा में अधिकार नहीं होता है, हैं? नहीं होता। इसलिए दीक्षा प्रभाव संस्कार संस्कार संसार बंधन मुक्ति, दीक्षा को द्वारा ही जीव संसार बंधन से मुक्ति। तबे तान स्थान शिक्षा गुरु नारायण कर लेने दीक्षा दशाक्षर मंत्र ग्रहण। फिर भगवान स्वयं शिक्षा गुरु कौन है, भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु ये स्वयं श्री शिक्षा गुरु रूप में गुरु जी की गुरु जी के पास से उन्होंने दशाक्षर मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया, और क्या दशाक्षर मंत्र ग्रहण किया, किया क्या नहीं किया, कल हम श्रवण करेंगे, ठीक है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन महाप्रभु की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇଥିଲି।